महू विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों द्वारा क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर को कम वोल्टेज और बिजली के उतार चढ़ाव की समस्या की शिकायत की थी। ग्रामीणों की बिजली की शिकायत को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक और मंत्री ठाकुर के द्वारा समस्या को हल करने के लिए कहा गया और उनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ग्रामीण के अधीक्षण यंत्री ध्रुव नारायण शर्मा के विशेष प्रयासों से ऊर्जा विभाग द्वारा महू तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में नए ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए 1,15,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री राजेश माहौर ने जानकारी देते हुए बताया कि महू तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हासलपुर वितरण केंद्र के मतलबपुरा सिलौटिया कुमठी अम्बाड़ा फपुंद जमनिया हासलपुर में नए ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार महू गांव वितरण केंद्र भाटखेड़ी सिमरोल वितरण केंद्र में गुवाड़ी कुशलगढ़ दतोदा बड़गोंदा वितरण केंद्र की गुलर चौकी व मानपुर वितरण केंद्र के सिहोद उंडवा शेरपुर तथा केवतिया झिरी सहित 20 स्थानों पर नए ट्रांसफॉर्मर 2 माह की अवधि में लगाए जाएंगे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। असल में चूँकि माननीय मंत्री महोदय विधानसभा महू से आते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनको, तो वैसी स्थिति में उनका जो क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम रहता है उसमें क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कई जगह से लो वोल्टेज और कुछ ज़्यादा भार वाले ट्रांसफॉर्मर की कंप्लेन आई थी, तो उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया था कि इसमें आप उचित कार्यवाही करें, तो उसी तारतम्य में वो सारे एस्टिमेट्स बना के और उनके अप्रूवल के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया था। तो उसमें माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और हमारे अधीक्षण यंत्री शर्मा साहब के विशेष प्रयासों से उसमें 1,15,00,000 रुपए 20 ट्रांसफॉर्मर अतिरिक्त लगाने के लिए सेंक्शन हुए हैं, जिसमें महू विधानसभा के जो अंतर्गत जो गांव आते हैं उनमें विशेष तौर से फसलपुर वितरण केंद्र में मतलबपुरा है, सिलोटिया है, कुमठी है, अम्बाड़ा है, फफूंद है, जामनिया है, और इसी प्रकार से महू गांव में भाटखेड़ी है, सिमरोल में गुवाड़ी कुशलगढ़ दतोदा में बड़गोंदा में वितरण केंद्र के अंदर इसमें ऐसे मानपुरा ने सारे ही वितरण केंद्रों में जो जो जहाँ जहाँ समस्या थी उसमें ट्रांसफॉर्मर जो स्वीकृत करें, और ये जल्दी से ही चूँकि विभागीय काम हमको करना है वैसी स्थिति में इसका जो एक टाइम स्लॉट लिया है वो 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग ये सारा काम कंप्लीट कर देंगे।